नमस्कार दोस्तों, क्लच प्लेट हमारी कार का एक ऐसा पार्ट होता है ना, जो अगर अभी कभी ख़राब हो गया तो एक मोटा खर्चा कराने वाली चीज़ जो है हो जाती है। वेरी करता है कि किस गाड़ी के पार्ट कितने के हैं, लेकिन नॉर्मली खर्चा इसमें ज़्यादा ही होता है। खर्चा क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि क्लच प्लेट कभी ख़राब हो जाए, उसे चेंज करने में गेयर बॉक्स उतरता है, फिर मतलब मेन जो खर्चा होता है ना, कई गाड़ियों में तो ऐसा होता है कि जितने की क्लच प्लेट होती है, क्लच प्लेट का सेट होता है, यानी कि क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट होती है, क्लच रिलीज बैरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, उनमें क्या होता है, जितने उनके क्लच प्लेट की कॉस्ट होती है उतना ही उनका जो गेयर बॉक्स होता है वो उतारने का कॉस्ट भी पड़ जाता है। ठीक है, तो तब मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसी चीज़ है कि गाड़ी का मतलब एक मोटा खर्चा कराने वाली चीज़ है। लेकिन अगर कभी ये चीज़ ख़राब हो जाती है, मान लीजिए आपकी गाड़ी क्लच प्लेट ख़राब है या क्लच प्लेट पुरानी हो गई है, ख़राब होने की इंडिकेशन दे रही है, तो आप किस तरीके से पता करेंगे? और आपको सिर्फ इतना ही आता है, गाड़ी चलानी आती, बाकी कुछ नहीं पता, तो मैं आपके लिए बहुत आसान बना दूंगा। देखिए, निकालने के बाद तो बहुत ज़्यादा आसान है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और रिलीज बैरिंग, तीन चीज़ें मेरे पास हैं जो मैंने रिसेंटली चेंज की है। अब इसमें निकालने के बाद तो आप आसानी से कोई भी बता सकता है कि क्लच प्लेट अभी और चल जाती या क्लच प्लेट में कितना मटेरियल बचा हुआ है, कितना वो चल जाता। ठीक है, अगर आपको नहीं पता थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। इसमें देखिए, जहाँ पर रिविट लगे ना, देखिए कितने ज़्यादा डीप अभी रिविट है, देखकर आसानी से पता लग जाएगा कि चलो क्लच प्लेट का इशू है। लेकिन बिना निकाले कैसे पता करेंगे, तो यही सब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आपके लिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आसान बनाएंगे और इस तरीके से बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता, सिर्फ आपको गाड़ी चलानी आती है, तो भी आप किस तरीके से आसानी से पता कर लें कि आपकी गाड़ी की जो क्लच प्लेट है वो ख़राब हो गई, या फिर जो प्रेशर प्लेट का इशू है, या फिर रिलीज बैरिंग का इशू है। तो मैं तीनों ही चीज़ें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि रिलीज बैरिंग आपको किस तरीके से चेक करनी है। देखिए, रिलीज बैरिंग यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपको क्या करना है, आपको आपकी कार स्टार्ट करनी है। ठीक है, क्लच दबाना, ये मैंने पहले भी बताया वैसे, लेकिन अभी बता ही रहा हूँ तो पूरा ही बता देता हूँ। आपको क्या करना है, गाड़ी स्टार्ट करनी है। ठीक है, क्लच को दबाना, अगर स्टार्ट गाड़ी में, हाँ चलती गाड़ी में नहीं, मतलब स्टार्ट गाड़ी में। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करके आइडलिंग पे छोड़नी है, क्लच दबाना है। अगर आपको लगे आवाज़ चेंज हो रही है क्लच दबाने में गाड़ी की, कुछ ऐसा लगे आपको आगे इंजन की तरफ से कुछ चीज़ स्क्रैच करता हुआ चल रही है, ठीक है, और अगर आप क्लच छोड़ें तो आवाज़ फिर से कॉमन हो जाए इंजन की, लेकिन जैसे आप क्लच प्रेस करें तो आपको लगे कि गाड़ी से कुछ अनइवन सी आवाज़ आई, तो इसका मतलब गाड़ी के रिलीज बैरिंग का इशू है, तो फिर वो आपको चेंज करानी पड़ेगी। चेंज कराने में खर्चा उतना ही आना है जितना कि क्लच प्लेट कराने में आना है, क्योंकि लेबर चार्जेस उतने ही आना है जितने कि क्लच प्लेट में आने, क्योंकि ये गेयरबॉक्स पूरा डाउन होगा। इसीलिए कई बार आपने नोटिस करा होगा, गाड़ी का गेयरबॉक्स किसी भी छोटी से छोटे काम के लिए उतरे, मान लीजिए आप जो मेन सील होती है क्रैंक वाली, जो मेन ऑयल सील होती है, अगर वो चेंज करने के लिए भी गेयरबॉक्स उतरे ना, तो भी कई बार अगर क्लच प्लेट पुरानी हो जाती तो लोग चेंज ही कर देते हैं। मैकेनिक भी ये बोलते हैं कि चेंज कर दो, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो गेयरबॉक्स है ना, बार बार नहीं उतारा जा सकता। इसके बाद आ जाता है अगर आपको प्रेशर प्लेट चेक करना। देखिए, अगर आपकी गाड़ी का क्लच हार्ड हो रहा है, टाइम धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्लच आपका बहुत हार्ड होने लग गया, क्लच प्रेस करने में हार्ड होने लग गया, तो फिर रीज़न हो सकता है गाड़ी की जो प्रेशर प्लेट है वो आपको इंडिकेशन दे रही कि आपको उसको चेंज करना। देखिए, निकाल के ही पता चलेगा कि उसकी कंडीशन क्या है, बट आप बिना खोले जो चीज़ चेक कर सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ चेक कर लेनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रेशर प्लेट का। अब आ जाते हैं मेन चीज़, हमारी गाड़ी की जो क्लच प्लेट होती है। देखिए, तो दो तीन तरीके मैं आपको बता देता हूँ जो आप खुद से चेक कर पाएँ और आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेंगे। सबसे पहला तरीका तो यह है, अगर आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट ख़राब होने गई है या ऑलमोस्ट ख़राब होने की मतलब कंडीशन मतलब ख़राब ही हो गई है, तो आपको किस तरीके से चेक करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप अगर आपकी गाड़ी क्लच प्लेट ख़राब होगी तो आप गाड़ी चलाएंगे ना, गाड़ी रेस पूरी पकड़ेगी, आप एक्सलेटर देंगे गाड़ी पूरी रेस पकड़ेगी, लेकिन जिस हिसाब से गाड़ी में रेस देंगे उतना गाड़ी प्रॉपर स्पीड गेन नहीं करेगी। तो ये एक कंडीशन होती है कि आपकी गाड़ी की जो क्लच प्लेट है वो ख़राब हो गया। मतलब आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, आपने गाड़ी उठाई पहले में, चलिए आपको पता नहीं चल रहा इतना ज़्यादा स्पीड गाड़ी नहीं पकड़ती पहले गियर में, आपने गियर चेंज करा, दूसरा डाला। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, इसमें लोगों का अलग अलग तरीका हो सकता है, मेरा क्या तरीका वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो नॉर्मली लोग ऐसा चेक करते हैं, चलिए जो भी है, ठीक है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपने क्या करा, जैसे दूसरा गियर डाला, आप स्पीड एक्सलेटर तो दे रहे हैं, गाड़ी आपको लग रहा है कि आप पूरा एक्सलेटर दे रहे हैं, गाड़ी आवाज़ कर रही है, गाड़ी का इंजन का RPM बढ़ रहे हैं, गाड़ी एक्सलेशन ले रही है, ठीक है, लेकिन गाड़ी उस हिसाब से स्पीड नहीं पकड़ ली है, तो ये एक इंडिकेशन है आपकी गाड़ी की जो क्लच प्लेट है वो वॉर्न आउट हो गई है। ठीक है, अब दूसरा तरीका बता देता हूँ, यहाँ पर दूसरा तीसरा गियर डाल दीजिए, कोई तीसरा चौथा बोलेगा वो चीज़ अलग है, आप सिंपल आप क्या कीजिए, तीसरा डाल दीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, गाड़ी स्टार्ट करनी है, तीसरा गियर डालना है, फिर ब्रेक और एक्सलेटर को आपको दोनों को प्रेस करना है, एक्सलेटर देना है गाड़ी में, साथ ही ब्रेक को पूरा प्रेस कर रहना है जिससे कि गाड़ी आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको क्लच दबाकर आपको पूरा क्लच दबाना है और गियर डाल लेना है, चलिए तीसरा ही डाल लेते हैं। ठीक है, आपको गियर डाल लेना है और फिर आपको क्लच छोड़ना है धीरे धीरे। अगर आपकी गाड़ी झटके से बंद हो रही है
ठीक है, तो आपकी क्लच प्लेट सही है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी बंद होने में टाइम ले रही है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी की जो क्लच प्लेट है वो वॉर्न आउट हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो दो तरीके थे ना, मैंने बहुत ज़्यादा आसान वाले आपके बताए, अब इससे ज़्यादा और तरीके बताऊंगा। हो सकता है एक जो कॉमन जो बंदा है जिसको गाड़ी सिर्फ चलानी आती, इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता, वो ना कर पाए, बट ये जो दो तरीके हैं ना, ये एक्यूरेट। एक जो पहला वाला है ये तो कोई भी समझ जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपकी गाड़ी ओवर रेस हो रही है, मतलब आपको लग रहा है गाड़ी रेस तो ले रही है, मतलब एक्सीलेटर तो उसमें पूरा ले रहा है लेकिन गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ ली है उस हिसाब से, ठीक है, तो वो जो कंडीशन होती है ना क्लच प्लेट जाने की, ये बेस्ट तरीका जानने का। ठीक है, तो अब बाकी बात कर लेते हैं कि क्लच प्लेटें कितनी चल जाती हैं, किस तरीके से आप अपनी गाड़ी के क्लच प्लेट को लंबा चला सकते हैं, और क्या क्या वो कंडीशन होती है जहाँ पर आपकी गाड़ी की क्लच प्लेटें जल्दी ख़राब होती है। ठीक है, तो गाड़ी चलाते चलाते बात करते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ों पर बात कर लेते हैं कि लोगों की गाड़ियों की जो क्लच प्लेट है होती हैं क्यों इतनी जल्दी वॉर्न आउट होती है। कोई कोई लोग तो लाखों किलोमीटर भी चला लेते हैं क्लच प्लेटों को। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में 40,000-50,000 किलोमीटर चल जाएं बहुत होता है, 40,000 किलोमीटर भी चल जाए ना क्लच प्लेट बहुत अच्छा होता है। लोग चलाने वाले तो बहुत ज़्यादा चला लेते हैं, चलिए उस पर बात नहीं करते हैं। तो पहली जो कंडीशन होती है ना क्लच प्लेट जल्दी वॉर्न आउट होने की, वो ये होती है जिन लोगों की आदत होती है ना, कई लोगों की क्या आदत होती है क्लच के ऊपर पैर रखने की, तभी आपने बहुत से लोगों के वीडियोस देखे होंगे जो अक्सर कहते हैं कि गाड़ी में कभी भी आपको पैर रख के नहीं चलानी चाहिए क्लच के ऊपर। अगर आप स्कूटर मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो क्लच पे हाथ मत रखिए, ठीक है, चलती गाड़ी में क्लच लीवर पर, और अगर कार चला रहे हैं, ठीक है, फोर व्हीलर चला रहे हैं तो मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं, तो उसमें जो क्लच है आपका उस पर आपको पैर नहीं रखना है। लेकिन लोगों की आदत होती लगातार क्लच पे लोड पड़ता है इस वजह से, तो ये भी एक रीज़न रहता है गाड़ी की जो क्लच प्लेट होती है जल्दी ख़राब होने का। और बाकी इसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं। देखिए, लोगों की ड्राइविंग कंडीशन पर डिपेंड करता है, क्लच ड्राइविंग हैबिट पे डिपेंड करता है, कैसी कंडीशन में आप गाड़ी चला रहे हैं, कैसे टेरेन पे आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको स्मूथ रोड मिल रही है चलाने के लिए या फिर उबड़ खाबड़ सड़कों पे चला रहे हैं, कितना लोड पड़ रहा है गाड़ी पे, और आपकी ड्राइविंग हैबिट, कई लोगों की ड्राइविंग हैबिट इतनी अच्छी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्लच प्लेट चला लेते हैं, और कई लोगों की ऐसी होती है 20-30,000 किलोमीटर में ही क्लच प्लेटों की ऐसी तैसी कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा कई लोगों की ऐसी आदत होती है ना, जिस गियर में चल रहे हैं लगातार उसी गियर में चलते रहना, गियर डाउन करने में उनको बड़ी मेहनत सी लगती है। अगर मान लीजिए कहीं पर आपकी गाड़ी गियर मांग रही है, डाउन शिफ्ट मांग रही है, तो नहीं देते हैं, उसी गियर में गाड़ी को खींचते ले जाते हैं, तो ये रीज़न भी होता है इसका। और उसके अलावा देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, मेरी गाड़ी यहाँ पर चल रही है 40 से नीचे और गाड़ी जो है पाँचों गियर में, ठीक है, तो अब मेरी गाड़ी यहाँ पर गियर डाउन मांग रही है, अगर मैं नहीं दूंगा ना तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रही है मेरी गाड़ी के इंजन पर, ठीक है, क्लच प्लेट पर, इंजन पर, ठीक है, हर तरफ इफेक्ट डाल रही है। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, जब भी आपकी गाड़ी गियर डाउन करने मांगे तो गाड़ी का गियर डाउन हमेशा कीजिए। अगर एक गलत आदत के बारे में बात करें जो इन सारी चीज़ों को इफेक्ट कर रही है, वो ये हो सकती है, जैसे देखिए आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने गड्ढे आते हैं, ठीक है, तो अगर आपकी गाड़ी थोड़ा हाई स्पीड में आप उसी में निकाल ले जाएं तो अलग चीज़ है, वो चीज़ तो आपकी इफेक्ट डालेगी आपके गाड़ी के सस्पेंशन को। लेकिन अगर आप गाड़ी की स्पीड कम करते हैं, ठीक है, लेकिन गियर डाउन नहीं करते हैं, जिस गियर में मतलब चौथे पाँचवें जिसमें हैं उसमें चल रहे हैं और गियर डाउन नहीं करते हैं, तो वो चीज़ ज़रूर आपकी जो क्लच प्लेट्स हैं ना उनको इफेक्ट डालेगी। तो कई लोगों की आदत हो जाती है, वो क्या करते हैं, जैसे गड्ढे आ रहे हैं, ठीक है, गड्ढों में जिस गियर में चल रहे हैं चलाते ले गए, गाड़ी को खींचते ले गए बिना उसकी स्पीड को, बिना गियर डाउन किए गए, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी है। आदत ऐसी बनानी है कि जब भी आपके सामने गड्ढे आते, कुछ भी आते, आप गाड़ी धीरे कर रहे हैं वहाँ पर, मतलब गाड़ी की स्पीड कम कर रहे हैं, तो गियर भी जरूर डाउन कीजिए, चाहे तो आप दूसरे में ले लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले में लीजिए, दूसरे में ले लीजिए, और धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड के अकॉर्डिंग, मतलब गियर को डाउन करना ना हमेशा सही रहता है, ये नहीं कि गाड़ी को खींचते ले जा रहे, ये चीज़ गलत होती है क्लच प्लेट के हिसाब से। तो ये नॉर्मल सी वीडियो मैंने कोशिश करी थी क्लच के ऊपर बनाने की, बाकी चीज़ों के बारे में और वीडियो में बात करेंगे, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।